वेलकम क्लास 10th फिजिक्स लेक्चर 2 चैप्टर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे आपने पहले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम इसके आगे बेसिक के आगे, ये भी बेसिक ही है, बेसिक ही है। अभी कुछ ऐसी बातें नहीं आई जो आपको बहुत अच्छे से सीखने वाली बातें शुरू से ही इस चैप्टर में शुरू हो जाएंगी। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आगे वाली बातों में प्रॉब्लम आएगी ही डेफिनेटली। तो पीछे वाले चैप्टर में आपने जो है वो मैग्नेट के बारे में पढ़ा, उसका नेचर पढ़ा था, नेचुरल होता है आर्टिफिशियल होता है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में बार मैग्नेट आया, हॉर्सशू मैग्नेट आया, मैग्नेटिक कंपस और मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं उसे, वो आपने पढ़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, अट्रैक्टिव रिपल्सिव द आइसोलेटेड पोल्स, बीज कभी भी उसको ब्रेक करने से उसके पोल दो नहीं होते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे, मेरे पास अभी लिखने को तो जगह नहीं बची, यहाँ पे पढ़ता लिखता हूँ। मैग्नेट जो है, मैग्नेट की फील्ड होती है, मैग्नेट की क्या होती है, फील्ड होती है, ये आपने सीखना है कि मैग्नेट है, जो मैग्नेट है उसकी एक फील्ड होती है। वो अपनी, ये देखिए ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये क्या कर रही है कि कोई भी दूर से आयरन स्प्रिंकल्स को, आयरन को जो स्प्रिंकल्स हैं उसको दूर से अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि जहाँ तक ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जहाँ रिपेल करे, रिपेल का तो रहने दो, अट्रैक्ट वाला ही ठीक है, ठीक है। द फील्ड अराउंड द मैग्नेट, वेयर फील्ड अराउंड द मैग्नेट, वेयर द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन फिलिंग्स इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ तक मैग्नेट अपनी तरफ को, अपनी ओर को, चीज़ों को अट्रैक्ट कर ले, कौन सी चीज़ों, आयरन फिलिंग्स को, उसको बोलते हैं, वो वहाँ तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी। ये वहाँ तक क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको प्रॉपर्टीज़ के साथ डिटरमिन किया गया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कैसी है का मतलब है कि उसके नेचर कैसा है, नेचर कैसा है। तो उसको बताया गया कि मैग्नेट फील्ड ऐसे नहीं होती, मैग्नेटिक फील्ड एक प्रॉपर लाइन की शेप्स में होती है, वो लाइंस होती हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड लाइंस होती हैं। फील्ड ऐसे नहीं होती कि चलो फील्ड है खींच लिया कहीं से भी, नहीं, उसकी एक फील्ड लाइन है, वो उस लाइन पे ही कुछ ना कुछ उसमें कोई चेंजेस कर देती है। मींस ये नहीं है कि उसको अपनी तरफ को खींच ही लेती है, अट्रैक्ट ही कर लेती है, हाँ उसकी पोजीशन चेंज कर देती है, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज कर देती है, उसको शेप अलग कर देती है, ऐसी कुछ में कुछ ना कुछ हो सकता है, मींस वहाँ तक कुछ ना कुछ उसको वो करेगी, ठीक है। दैट इज़ नोन एज ए मैग्नेटिक फील्ड। और फील्ड कैसी है, लाइंस में, फील्ड लाइंस है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये देखिए मैंने लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़, ये आप नोट डाउन भी कर लेना, आपकी बुक पे भी लिखी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पढ़ना है, एक एक को समझना है। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, पहली बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्रॉस नहीं करती, क्रॉस मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपको बहुत बार पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका आंसर हम जब क्वेश्चन वाले टॉपिक करेंगे तब देंगे, ठीक है। ये बात आपने सीख ली है, इसकी प्रॉपर्टी है कि कभी ये है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है जी। दे हैव सेम स्ट्रेंथ, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ सेम होती है, ठीक है। दे ऑल हैव सेम स्ट्रेंथ, तो सबकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम होती है, क्यों, जैसे ये वाली लाइंस है, इसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी इसकी है, जितनी इसकी है उतनी इसकी है, जितनी इसकी उतनी, मीन्स लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे सबकी, जैसे ऊपर वाले की स्ट्रेंथ है वैसे ही नीचे वाले की स्ट्रेंथ भी होगी। देयर डेंसिटी डिक्रीजेस, इनकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, ये दूर दूर चले जाएंगी। इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीजेस का मतलब क्या है कि जब ये दूर होंगे ना मैग्नेट से तो ये दूर दूर हो जाएंगी, पास में होंगी तो ये थोड़े नज़दीक रहेंगी, ठीक है।
दे स्प्रेड आउट वेन दे मूव्स द एरिया हायरली परमिटेबली टू द लोअर. जब ये हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो ए इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी. मीन्स जब ये मैग्नेट से दूर जाएगा तो ये इसकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी. मीन्स इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. द डेंसिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज द डिस्टेंस. मैंने बताया जब पोल का डिस्टेंस बढ़ जाए तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. दे आर कंसिडर्ड टू हैव डायरेक्शन एज इफ फॉलोज थ्रू द एक्चुअल मोमेंट अकर्स. ठीक है, तो ये क्या है, तो किस तरफ ये मूव करते हैं उससे उसकी डायरेक्शन पता लगती है. तो ये इसमें क्या है कि अगर ये मूव करती है, देखो ये नॉर्थ से बाहर जाते हैं, साउथ में इंटर होती है, इसकी मूवमेंट कैसी है नॉर्थ से साउथ तक. दे हैव कंसिडर्ड हैव डायरेक्शन एज फॉलोज थ्रू नो एक्चुअल मूवमेंट अकर. ठीक है, ये इसको इसकी मूवमेंट नहीं होती एक्चुअल में, क्या है इसकी फील्ड लाइन मूव करती हैं कहाँ पे, नॉर्थ से साउथ तक. ये इसमें पॉइंट नहीं लिखा गया, आपने लिख लेना इस डायरेक्शन इज ऑलवेज लिए फ्लोज थ्रू साइड लिखा हुआ है. ठीक है, दे आर कंसिडर्ड हैव डायरेक्शन एज. ठीक है, ये हो गया हमारा. दे फ्लो फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल विद इन द मटीरियल एंड नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इन एयर. ठीक है, मटीरियल में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं और एयर, ये एयर का काम है. ठीक है, एयर का काम है, एयर में ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे एयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी. अगर मटेरियल मैं इसको आयरन की एक प्लेट के ऊपर रख दूँ तो ये इसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. मटेरियल में इसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एयर में इसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ. ये आपने ऑलवेजली ऐसे ही लाइंस लगानी हैं. ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से. अब इसकी एक्टिविटीज़ हैं, ये बात तो प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ ली, अब इसकी एक्टिविटीज़ हैं. एक्टिविटीज़ देखने वाली बात है. पहली एक्टिविटी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये वाली पहली होती है मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तो एक्टिविटी हम करते हैं कि व्हेन एक, तो इसके पॉइंट्स हैं, आपने लिख भी सकते हो, बुक पे भी लिखे होंगे, आप याद कर सकते हो, समझने वाली बात है. मैंने कहीं पे नहीं लिखे हुए, मेरे को ऐसे ही याद है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मेरे को याद है. एक आपने पीस ऑफ पेपर लेना है वाइट कलर का, उस पर आयरन स्प्रिंग कर देने, आयरन छोड़ देने. अब तो मेरे ख्याल से आप बच्चे कॉन्वेंट वाले हो गए हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो गए हो. ठीक है, उन स्कूल्स में पढ़ते हो तो कम सीखते हो, मैंने ये देखा है. हम जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो हम बहुत सीखते थे, हमारे सीखने की आपसे ज़्यादा इच्छा होती थी. क्या है कि एक पेपर लेना है, पेपर के नीचे हम मैग्नेट का ऐसे पीस रखते थे, पेपर के नीचे ऐसे मैग्नेट का पीस रखते थे, ऊपर हम पहले उसको मिट्टी में खूब ऐसे घुमाते थे. मिट्टी में घूमने से क्या होता था, उस पर मिट्टी में आयरन होती है तो उसमें आयरन चिपक जाती थी, उसके साथ चिपक जाती थी. जैसे आपने पहले एक पीस देखा था, ठीक है, पत्थर स्टोन लाइमस्टोन, तो उसके साथ चिपक गई और चिप मैंने हम उसको उतार लेते थे, उतार के उसको पेपर के ऊपर रख लेते थे. नीचे से हम एक मैग्नेट को लेके ऐसे ऐसे घुमाते थे, वो क्या होता था, वो आयरन जो है उसके पीछे पीछे भागती थी ऐसे. तो वो देखने में ऐसे, जब हम इधर को लेके जाते थे तो उसकी शेप एजेस ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आ जाती थी, जब इधर जाके जाते उधर हो जाती थी. मीन्स उसकी डायरेक्शन, उन आयरन स्प्रिंकल्स की डायरेक्शन चेंज होती थी. हमें नहीं पता था ये एक्टिविटी है, हमें बिल्कुल नहीं पता था ये एक्टिविटी है, हम अपनी तरफ से करते थे, मगर वो एक्टिविटी है, एक्टिविटी निकली जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे आयरन जो स्प्रिंकल्स हैं वो टेंजेंटली खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल टेंजेंट हो जाती हैं. ये आप बुक में पढ़ोगे, बुक में इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नो द डायरेक्शन बाय द टेंजेंटल सरफेस. उसके टेंजेंटल सरफेस से हम उसकी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं. ठीक है, वो टेंजेंट हो जाती है. अब ये देखो, ये एक हमारे पास ये वाला जो है,
ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये देखना आपने, एक पीस ऑफ पेपर हमने लिया, ये पेपर था, उस पे ये हमने आयरन स्प्रिंकल रखे और ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट हम उस पे प्लेस कर दी। प्लेस करने पे ये आयरन स्प्रिंकल ने एक स्पेशल सी शेप ले ली ऐसे, ठीक है। तो एक तो ये दूर वाले, ये जो दूर पड़े हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दूर वाले जो हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे पीसेज हैं यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ब्लैक कलर के, इधर उधर सब तरफ, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पास वाले हैं, ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसमें इसमें उसको कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है। मीन्स ये उसका जो एरिया है, सपोज मैंने ये रफली ये लाइन लगाई है, तो ये वाला जो एरिया है उसका, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसकी जो आपने एग्जाम में लिखना है वो बताता हूँ। टेक ए वाइट पेपर, स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स ऑन देम, प्लेस ए बार मैग्नेट, देन यू ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग्स अ टेक स्पेशल शेप एंड द आयरन फिलिंग्स दोज हु आर फार अवे दे डू नॉट डिस्टर्ब एंड द क्लोज वन आर क्लिंग टू द बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट से चिपक जाती है। कहाँ पे? एट द पोल्स, स्पेशली कहाँ पे? पोल्स पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ज़्यादा, बाकी तरफ भी चिपकती है मगर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा चिपकेंगी, ठीक है। तो ये हमारी एक एक्टिविटी हुई जहाँ पे हमने बता दिया कि ये एक फील्ड उसकी यहाँ पर है। अब दूसरी एक्टिविटी है हमारे पास फील्ड लाइन बताने की। ये देखिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये फील्ड लाइन बनानी सीखते हैं। ये एक बच्चे ने एक्टिविटी बनाई है, आप भी बना सकते हो। कैसे बनती है ये हम बताते हैं आपको। ये देखिए, एक बच्चे ने एक्टिविटी बनाई है, हम भी बना सकते हैं। एक पीस ऑफ पेपर लेना है आपने, जैसे ये बच्चे ने लिया है, ऐसे ही एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको रख के ऐसे बार मैग्नेट को रख के ये हमने उसको मार्क कर देना है। जैसे ये रखा हुआ है ना, इसको हमने मार्क करना है, ये इसको हमने ऐसे लाइन लगानी है ऐसे, ठीक है, मार्क कर देना है ऐसे पूरा। इसको मेरे उससे तो हो नहीं रहा, ये आप पूरा सही सही इसको मार्क करेंगे ऐसे चारों तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको मार्क करना है आपने। ये देखिए, जो बच्चे ने किया हुआ है नीचे मार्क, ठीक है, मार्क करके फिर ये एक मैग्नेटिक कंपस है, इसको इसके पास पास रखना है। कहाँ पे रखना है ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये भी देखिए आप कैसे कैसे रखना है, ये एक अरेंजमेंट है, आपको नज़र आ रही होगी, ऐसे रखना है। पहले ये रखी, फिर उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, ये सेम है। इसको ये थोड़ी आपको साफ नहीं दिख रही होगी, ये उससे ये उसके मीन्स, इसका मतलब ये है कि पहले ये वाली रखी, ये उठा ली, फिर वही आगे रखी, फिर वही आगे, फिर वही आगे। जैसे ये एक मैग्नेटिक, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल है, इसको ही आगे आगे रखना है, इसको आगे आगे रखेंगे ऐसे। पहले इसको यहाँ पे रखेंगे, सपोज हमने यहाँ पे रखी ऐसे, ऐसे इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है, फिर हमने इसको आगे रखा ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर इसको आगे रखा, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, इसको आगे रखा, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, अब आगे इसको यहाँ पे रखा, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे, मान लो कि इसको हमने, मान लीजिए कि 10-15 बार ऐसे प्लेस करना है, अलग अलग पार्ट्स पे रखना है। और जहाँ पे इसका एरो आता है, ये वाला एरो, यहाँ पे हमने इसको मार्क लगाते जाना ऐसे, दो मार्क, उधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, ऐसे हर तरफ। ये ऐसी एक फील्ड लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये एक ऐसी फील्ड लाइन बनेगी, ये आप डायग्राम देख सकते हो, ऐसी एक फील्ड लाइन बनेगी। ये देखो, ये बना बनी बनाई है, ये बच्चे ने बनाई है और ये बनी बनाई है, ठीक है, ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। ये आयरन फिलिंग लिखा हमने, आयरन फिलिंग से नहीं की है, ये किससे की है? बार मैग्नेट को और मैग्नेटिक कंपास से, ठीक है, ये ऐसे एक फील्ड लाइन बनेगी। अब लिखना क्या है ऐसी मेन बात, तो ये मुद्दा ये है कि ये एग्जाम में आती है एक्टिविटी, टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है, हाउ वी कैन डिटर्मिन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम फील्ड लाइन कैसे डिटरमिन करते हैं? तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल, इसका आसान आंसर है। क्या आंसर है? प्लेस ए
white paper on a drawing board and place a bar magnet on it to mark on the boundary. उसकी बाउंड्री पे हमने मार्क कर लेना, निशान लगा लेना है. देन टेक ए मैग्नेटिक कंपस. मैग्नेटिक कंपस लेनी है, उसको नॉर्थ से हमने शुरू कर लेना, चाहे आप साउथ से शुरू कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्लेस एट द नॉर्थ पोल, देन मूव फार अवे. उसको आगे आगे बढ़ाते जाना है, टूवर्ड्स द साउथ. आगे बढ़ाते जाना कैसे, साउथ की तरफ को. ठीक है, नॉर्थ से उठाया, आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा, साउथ की तरफ ले जाना है. तो एक लाइन बन जाएगी. सिमिलरली वी कैन प्लेस एन अदर लाइन. तो एक और लाइन बनाएंगे, एक और लाइन बनाएंगे, एक और बनाएंगे. ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी. हमने दो तीन बनानी होती हैं, ज़्यादा नहीं. तो ऐसे दो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाए. अब आप मेरे पास आओगे, मीन्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आप देखोगे कि मैं कुछ सिखाऊंगा ये कैसे बनती हैं. अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे भी सीख सकते हो, किसी और स्कूल में पढ़ते हो. जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उनको बताऊंगा मैं कि कैसे बनती हैं ये एक्टिविटी, हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम करेंगे इस एक्टिविटी को. ठीक है जी. तो इसको आपने लिखना है, ये आपको बुक पर मिल जाएगी लिखी हुई सारी ऐसी. ठीक है, समझना है, मेन बात हमारी समझने की है. तो ऐसे ये प्रॉपर्टी, ये वाली जो है ये भी इसको ही है. ठीक है, तो ये भी इसको ये बताता है. ये पॉइंटर है, पॉइंटर को हमने यहाँ पे पॉइंटर पे निशान लगाते गए लगाते गए लगाते गए, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारी. दो एक्टिविटीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड हाउ टू डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई हमने, आयरन स्प्रिंकल से. ये भी आयरन फिलिंग से बन सकती है, ये भी आयरन फिलिंग से बन जाती है, मगर आयरन फिलिंग हमारे पास वो अच्छे नहीं बनती, हमें समझ नहीं आता उसका. ये बार मैग्नेट से और मैग्नेटिक नीडल से, मैग्नेटिक कंपस से हमें अच्छे से समझ आता है, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक कंपस और कंपस नीडल से ही करते हैं. ठीक है, इसको हम इसी से परफॉर्म करते हैं. ठीक है जी, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दोनों ही ये हमने डायग्राम बनानी है. ये वाली एक्चुअल डायग्राम हमारे पास ये है, जो आप लोगों को डायग्राम बनाने को आएगी, जहाँ आप ये बना सकते हो. ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायग्राम आएगी. ये मैग्नेटिक, ये फील्ड के लिए होगी, और ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी. प्रॉपर्टीज़ और भी हो सकती हैं दो चार, वो आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो बुक से पढ़ सकते हो. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेन मुद्दे पे आएंगे. मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा हमारे पास है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट करेंगे. ऑस्टर्ड ने हमें बताया, क्या बताया वो हम नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 पे सीखेंगे. ये हमारा आज तक का जो काम था बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये मत, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो क्या कौन सा आता है, नेवर क्रॉस ईचर. बहुत बार आया है, प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी. ठीक है, ये भी आ जाता है, और भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं. जब क्वेश्चन में जाएंगे तब छोटी छोटी बातें लग रही हैं, मगर इनमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे. ठीक है बेटे, ओके, गुड लक. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 3 में.